हेलो स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में हम 7B एक्सरसाइज के 13, 14 एंड 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये फिगर आप देख रहे हैं जो आपको नज़र आ रही है, और यहाँ पर ए और बी क्वेश्चन में इफ द एरिया इज 3x सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का एरिया आप जानते हैं कि वो होता है एल इंटू बी, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया दिया गया है, मतलब इस पूरी फिगर का, ये पूरी फिगर के अंदर का एरिया दिया गया है आपको कितना है, वो है 3x सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको इक्वेशन बनानी है, सॉल्व करना, बहुत आसान बात है क्योंकि यहाँ पे इसकी लेंथ दी गई है और इसकी ये ब्रेथ दी गई है। ठीक है, हम इसी फॉर्मूले को फिट करेंगे। तो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं जो चीज़ हमको दी गई है। हमें ये दिया गया है कि L इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 सेंटीमीटर, और B इज इक्वल टू, यानी ब्रेथ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी इज इक्वल टू 8x minus 40। नाउ दिस इज द एरिया, व्हाट इज दिस, दिस इज द एरिया, नाउ दिस इज आल्सो एरिया। तो दीज आर सेम क्वांटिटीज, दैट इज 8x माइनस 40 इज एरिया and 3x सेंटीमीटर स्क्वायर इज एरिया, तो बोथ आर इक्वल। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन हमें इक्वलिटी यहाँ पे देनी है कि 8x माइनस 40 इज इक्वल टू 3x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 8x माइनस 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 8x माइनस 3x इज इक्वल टू 40। जब माइनस 40 को वहाँ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 40, और x इज इक्वल टू 40 अपॉन 5, 5 जब 40, x इक्वल टू 8, मतलब x की वैल्यू 8 आई। तो आपको x फाइंड करने के लिए कहा था, हमने x फाइंड कर दिया, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन ये है कि 4x माइनस 2 मीटर्स ऑफ रोप इज यूज टू फेंस द रेक्टेंगुलर एनक्लोजर। ये रेक्टेंगुलर एनक्लोजर है और रस्सी से इसके चारों तरफ जब बाड़ लगाई गई तो इतनी मीटर रस्सी लगी। सीधी सी बात है कि ये जो लेंथ ऑफ रोप है इट इज़ पेरीमीटर, मतलब ये एक प्रकार से 4x माइनस 2 इज द पेरीमीटर। और x पता करना है तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, ये तो हो गई आपकी लेंथ और इसके अंदर एरिया दिया गया है। मतलब हमारे पास जो चीज़ें दी गई हैं वो हैं, गिवन एरिया दिया गया है वो है 225 मीटर स्क्वायर, और लेंथ दी गई है वो है 25 मीटर। तो अगर आपको पेरीमीटर निकालना है तो आपको कम से कम ब्रेथ तो पता होनी चाहिए, क्योंकि हम करेंगे क्या कि ये जो पेरीमीटर है तो एक पेरीमीटर और निकाल के दोनों को हम इक्वल शो करेंगे। और आप जानते हैं कि ब्रेथ इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास एरिया दिया गया है, हमें जो चीज़ें दी होती हैं हमें उन्हीं को इस्तेमाल करके आगे बढ़ना होता है। तो हमारे पास ये एरिया दिया गया है तो ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया अपॉन लेंथ। अगर आपको ये समझ ना आ रहा हो कि फॉर्मूला कैसे बना है तो सीधी सी बात है कि एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी होता है, ठीक है। और आप जानते हैं कि हम इसको थोड़ा पलट लेते हैं, ऐसे कर देते हैं, एल इंटू बी इज इक्वल टू एरिया। तो अगर आपको ब्रेथ निकालनी है तो बी को आप यहीं छोड़ देंगे, और आप जानते हैं कि जब दो क्वान्टिटीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो जब वो साइड चेंज करती हैं तो नीचे जाती हैं, है ना, तो एल जो है वो यहाँ आ जाएगा, मतलब ऊपर वाली चीज़ जो डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर बनती है, न्यूमरेटर वाली डिनोमिनेटर बनती है, तो ये हमने यहाँ पे यूज़ किया। तो बी इज इक्वल टू एरिया है आपका 225 मीटर और लेंथ है 25, तो 5 × 25, 5 × 25, 5 × 25, 5 × 9 = 45 = 9। तो जो ब्रेथ है वो आपकी निकली 9। अब पेरीमीटर इज इक्वल टू 2l प्लस बी इज इक्वल टू 2, लेंथ है आपकी 25 मीटर, ब्रेथ है आपकी 9 मीटर इज इक्वल टू 2 × 34 इज इक्वल टू 2 × 4 = 2 × 3 = 68। पेरीमीटर 68 निकला, तो और ये भी पेरीमीटर है जो हमने बताया था। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन बोथ पेरीमीटर आर इक्वल, यानी 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 68। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 68। इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 4x इज इक्वल टू 68 प्लस 8, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 76 अपॉन 4
काटेंगे तो ये आएगा 19, तो x की वैल्यू आ गई 19। दिस इज योर आंसर। आप इसे फेयर कॉपी में ढंग से कर सकते हैं, क्योंकि स्क्रीन पे स्पेस कम होता है तो मुझे ऐसे ही करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुस फ्लावर गार्डन इज नाउ स्क्वायर, मतलब मधु का जो फ्लावर गार्डन है वो स्क्वायर के शेप में, मानते हैं ये है स्क्वायर का शेप। इफ सी इनलार्जेज इट बाई इंक्रीजिंग द विड्थ बाई 1 meter, अगर वो इसकी विड्थ को, मान लेते हैं कि विड्थ है तो इसको प्लस 1 कर देती है, और द लेंथ 3 meter, और लेंथ में प्लस 3 कर देती है, मतलब यहाँ पे वो 3 करती है, यहाँ पे वो प्लस 1 कर देती है, इसका मतलब एक रेक्टेंगल हो जाएगा ये। द एरिया विल बी 19 square meter, तो नतीजा ये होता है कि जो इसका एरिया हो जाता है 19 square meter मोर देन द प्रेजेंट एरिया, मतलब प्रेजेंट का जो एरिया होगा उससे प्लस 19 हो जाता है बाद का एरिया। तो आपको लेंथ बतानी है, लेंथ ऑफ ए साइड नाउ, तो देखिए हम मान लेते हैं कि लेंथ ऑफ ए साइड बी एक्स, तो इसका जो एरिया होगा वो होगा, आप जानते हैं कि जो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है साइड स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर का मतलब एस इंटू एस, तो जब x इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एरिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक, ये चीज़ एक हमारी हो गई। दूसरा ये है कि आफ्टर चेंजेस, मतलब जब वो उसमें चेंजेस करती है साइड में, तो आफ्टर चेंजेस हमें क्या मिलता है कि जो इसकी लेंथ है वो हो जाएगी एक्स प्लस 3, है ना, 3 meter उसने बढ़ा दिया, और इसकी जो ब्रेथ है उसको वो 1 meter बढ़ाती है, तो ये रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, तो अब जो एरिया होगा वो रेक्टेंगल के हिसाब से निकलेगा, एल इंटू बी इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो निकल के आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, तो ये हमारा है सेकेंड। ठीक है, तो ये भी एरिया है और ये भी एरिया है, ये प्रेजेंट का एरिया है और ये आपका न्यू एरिया है। तो ये बताया गया है कि अब क्या फ़र्क क्या पड़ता है कि जो नया एरिया है वो प्रेजेंट एरिया से 19 square meter ज़्यादा होगा, तो यहीं पे हम इक्वेशन बना देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि अभी का जो एरिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 में से प्रेजेंट का एरिया हम घटा दें, यानी एक्स स्क्वायर को घटा दें, तो 19 के बराबर होना चाहिए। इसी को सॉल्व कर लीजिए आप, तो देखिए एक्स स्क्वायर ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे, बचा 4x प्लस 3 इक्वल टू 19, 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 19, तो 4x इज इक्वल टू 19 माइनस 3 इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 16, है, और x इज इक्वल टू 16 अपॉन 4 इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू निकली 4, और x क्या है, अभी की लेंथ है, तो दिस इज द आंसर। इस ट्यूटोरियल में हमने 13, 14, 15 क्वेश्चन को सॉल्व किया, अगले क्वेश्चन आपको इसके अगले ट्यूटोरियल मिलेंगे, सबका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो एंडिंग द ट्यूटोरियल, बाय बाय।